सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि गाइस आप अपनी फोटो में एनिमेशन कैसे डाल सकते हो। जैसे गाइस आप सभी ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा गाइस, जो इस टाइप की जो वीडियोज है जो अभी आपने देखी स्टार्टिंग में, इस टाइप की जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एंड गाइस ये जो कोई वीडियो नहीं है, ये गाइस फोटो है, इसमें गाइस एनिमेशन डाल के जो है मतलब किस फोटो का ऐसा वीडियो टाइप का बनाया है। तो गाइस आप लोग भी अपनी फोटो को कैसे बना सकते हो इस टाइप का, तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप लोग जब बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ताकि ये जगह आप लोगों को जो है इजीली सब कुछ समझ आए। एंड जब आप लोग जब गाइस एडिट करने जाओ तो आप लोगों को ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो इस ऐप के बारे में, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले करना क्या गाइस, आप लोगों को इस ऐप को जो है ओपन करना है। एंड इसको ओपन करने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो इंटरफेस जो है गाइस ये पेड है, मतलब आपको पेड तो हमें यूज़ करना नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली कट करेंगे, एंड कट करने के बाद जो हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जो कि गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू कलर का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से गाइस जो भी फोटो को आपको जो भी फोटो में एनिमेशन डालना है आपको सिंपली इसको ऐड करना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जो साइज वगैरह वो सिलेक्ट कर लेना है, आपको जिस साइज में भी आपको करना है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल कस्टम में ही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को तो आपको भी समझाना है ना। तो आपको सबसे पहले करना है क्या गाइस, आप लोगों को यहाँ पे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आपको जो एनिमेशन दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार ही क्लिक करना है। एंड आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एंड गाइस आपको मोशन के ऊपर दिख रहा होगा गाइस, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। तो सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप लोगों को यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एनिमेशन डालना है आपको सिंपली यहाँ पे पहले आपको जूम कर लेना है, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ पे आपको एनिमेशन चाहिए, जैसे कि मतलब जो जो चीज़ें यहाँ पे वर्क मतलब कि एनिमेशन आए जिस चीज़ पे, आपको वहाँ पे सिंपली इस तरीके से आपको पेंट करना है। यानी कि मतलब मैं बता देता हूँ कैसे पेंट करना है आपको। सिंपली देखिए, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे जो हम जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार जो हमारा जो फ्लैग है ना ये फ्लाई हो इसमें, ठीक है। सिर्फ तो हम इस पर कैसे दोनों नीचे और ऊपर एक साइड में क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सभी को क्या करना है, देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा चला के भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पे इसको हमने कर लिया, तो पहले हम इसे जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जूम आउट कर लिया, मैं गाइस आपको चला के दिखाता हूँ इसे। तो गाइस अभी देखिए, मतलब कि इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी हमारी वीडियो में हुआ क्या है ना। तो मतलब सब कुछ हिल रहा है यहाँ पे, है ना, हमें तो बस फ्लैग चाहिए। तो गाइस इसमें आपको करना क्या है गाइस, देखिए अभी आपको इसको जो है यहाँ पे पिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो पिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसमें करना है कि आपको जैसे आप पिन पे क्लिक करोगे तो आप जिस जिस चीज़ को नहीं चाहते हो, जो जो चीज़ ना हिले इसमें, तो आपको उसको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले ना जूम आउट इस पर, जैसे ये डॉट है जो पिन है हमारा इस पर, जैसे मैं यहाँ पे ना मॉडल के मुंह के ऊपर कर देता हूँ उसको, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने जैसे किया इस पर, तो अब देखिए मुँह जो है हमारा नहीं हिल रहा है, ठीक है, मॉडल का। अब जैसे कि देख सकते हैं जो फ्लैग है, फ्लैग के साथ जो है ये अभी हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हिल रहा है, तो हमें उसके लिए करना, हमें एक पॉइंट वहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं। अब गाइस देखिए ऊपर से तो वो नहीं हिल रहा है, बट लेकिन अब बीच में से हिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको स्टॉप करेंगे एंड पिन को जो है हम यहाँ पे बीच में भी लगा देंगे, हैंड के पास भी लगा देंगे एंड यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे आप देखिए, मतलब कि जो है हमारा फ्लैग जो है यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। जैसे मतलब रियलिस्टिक लग रहा है बिल्कुल, मतलब कि है ना। तो अभी हमने इतना कर लिया, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब जो है गाइस यहाँ पे पिन को जो हम एक बीच में भी कर लेते हैं, ताकि जो है बीच से भी हिल रहा है ना। तो अभी हम इसको चला के देखते दोबारा से, यहाँ पे हो गया, अब हमें जाना चाहिए। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारा फ्लैग एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ना गाइस, मतलब कि कोई कह नहीं सकता है कि यहाँ पे हमने इसको मतलब कि एडिट किया है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने ऐसी वीडियो ही बनाई है डायरेक्ट, है ना, कि हमारा फ्लैग जो है अब हमें उड़ रहा है और हम खड़े हैं बस इसको लेके। तो गाइस देखिए, मतलब एकदम रियलिस्टिक एकदम लग रहा है, कि मतलब कि कोई कह नहीं सकता है कि हमने मतलब कि कोई फोटो वोटो एडिट करी है ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हमारा यहाँ इसका इस ऐप का तो बस इतना ही काम था, ठीक है। तो अभी इसमें जो है हमने एनिमेशन वगैरह डाल दिए, तो अब इसको आपको करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे सेव वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ में, वो सिंपली यहाँ पे जो है साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद एक्सपोर्ट पे जाके आपको उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।